Hello and welcome all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 8th of April. So on the first page, there are certain important news. The first news says, Center tells states to do more COVID test. So यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, पिछले 24 घंटे में अगर मैं बात करता हूँ, तो भारत में on an average, अगर पिछले वीक का मैं एवरेज निकालूँ, तो 4000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं. और यही मैं अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, तो पिछले वीक में ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे मोर देन 88,000 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड. सो क्या ये फिर से वैसी ही सिचुएशन हो गई कि जहां पे डेली केसेस पूरे विश्व भर में फिर से यहां पर बढ़ने लग गए, और क्या आने वाले समय में हम और कोई वेव देखने को हमें मिल सकती है? जैसे हमने पहले अल्फा वेरियंट देखा था, डेल्टा वेरियंट देखा, देन ओमिक्रॉन वेरियंट, कप्पा वेरियंट, बहुत सारे वेरियंट देखे. अब फिर से यहां पर ग्लोबली केसेस बढ़ने लग गए, और इसी के साथ साथ ना केवल ग्लोबली बट भारत में भी केसेस बढ़ने लग गए. इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, पिछले 3 से 4 हफ्ते पहले लगभग हम जहाँ पे 500 से 600 केसेस डेली बेसिस पे हमारे पूरे देश में रिपोर्ट कर रहे थे, अब हम हमारे देश में 4000 से ज़्यादा, दैट मीन्स मोर देन 4000 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द पास्ट वीक ऑन एन एवरेज, अगर मैं डेली बेसिस की बात करता हूँ. सो अब हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया है, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है और उसी के साथ साथ जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनका ऐसा मानना है कि अब यहाँ पे सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को और मिलजुल के यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है. और ऐसा देखा गया है कि 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में ऐसे हैं जिनका ओवरऑल जो टेस्टिंग रेट है या जो नेशनल एवरेज है उससे काफ़ी कम है. तो अगर हम प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो ये डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वेदर ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद कोविड और नॉट, और फिर उसका प्रॉपर मेडिकेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा. इस वजह से ये प्रॉब्लम वाली बात है. इस वजह से यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी है कि आपको आपके स्टेट्स और यूटीज में प्रॉपर यहाँ पे जो फैसिलिटीज उसका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रॉपर चेक करना है. आपको आपके यहाँ पे वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या स्थिति है, मेडिकल बेड्स कितने हैं आपके पास, और सारी सिचुएशन. और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये आ जा रही है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है हेल्थ के, दैट इज मनसुख एस मंडाविया जी, उनका भी ये मानना है कि अब लोगों में कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशनरी डोज है, क्योंकि जनरली अगर हम देखें जो प्राइमरी डोज था हमारे यहाँ पे जो, या जो दोनों डोज थे, दैट इज फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जिसको हम बोल रहे थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हमारे यहाँ पे मेजरली रहा, तो उसमें यहाँ पर लोगों में एक अच्छा यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते पॉजिटिव साइड थी कि लोगों ने कहीं ना कहीं अपना वैक्सीनेशन कराया. बट करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो जहाँ पे प्राइमरी डोज सेकेंडरी डोज का वैक्सीनेशन मोर देन 90% था हमारे देश में एलिजिबल पॉपुलेशन का, वही बूस्टर डोज की बात करें तो उसका जो ग्राफ है वो लगभग लेस देन 30% है. अगर लोग ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, प्रिकॉशनरी डोज यहां पे नहीं लेंगे, इस वजह से भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे देश में कोविड के केसेस यहां पर बढ़ रहे हैं. तो यहां पे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स और यूटीज को अर्ज किया है कि आप आपके स्टेट्स में वैक्सीनेशन को रैंप अप करें, वैक्सीनेशन को बढ़ाएं, सो दैट ये जो डेली बेसिस पे केसेस बढ़ रहे हैं इनको कंट्रोल किया जा सके. और ये केसेस जो है मोस्टली अगर मैं बात करूं, देर आर 8 स्टेट्स इन इंडिया, दैट इज केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, हिमाचल, तमिलनाडु, हरियाणा, इन सब स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा केसेस, स्पेशली इन स्टेट्स के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जहाँ पे डेली बेसिस पे केसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. तो अब यहाँ पे द बॉल लाइज इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री कि किस तरीके से वो उसको लेते हैं, और किस तरीके से जो वैक्सीनेशन में हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यहाँ पर और जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है. और इसी के साथ साथ अगर मैं करंट सिचुएशन की यहाँ पर बात करूँ, तो 10th एंड 11th ऑफ अप्रैल को हमारे देश में मॉक ड्रिल होना है, जहां पे पूरे देश के जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया जाएगा कि एक्चुअल में वहां पर सिचुएशन कैसी है, और अगर इन केस कोविड के सिचुएशन यहां पर केसेस बढ़ते हैं तो कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकेगा. सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज, जहां पे हमने कोविड के जो केसेज है वो जिस तरीके से हमारे देश में बढ़ रहे हैं उसके लिए हमारी सरकार क्या प्रयास कर रही है उसको पढ़ा. देन नेक्स्ट न्यूज, यूक्रेनियन मिनिस्टर टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर टॉक्स, लाइकली टू इन्वाइट पीएम मोदी टू विजिट कीव. सो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अपडेट हुआ है कि रिसेंटली हमने देखा था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरो भारत आए थे, राइट. अब उनका भारत आना ये अपने आप में बहुत बड़ा मायना है. और यहाँ पे करंटली हमें जो इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो भारत यहाँ पे ना केवल G20 का प्रेसिडेंट है इस साल, बट SCO, दैट इज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज अ मेंबर कंट्री ऑफ 8 कंट्रीज, मेंबर ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, उसका भी यहाँ पर प्रेसिडेंट है. तो उसकी भी मीटिंग यहाँ पर होनी है, और उसमें भी यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट आने हैं. तो अब यहाँ पे जो यूक्रेन है उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है. यूक्रेन ने क्या किया है, क्योंकि
अगर हम देखें अभी तक जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई, इट्स बीन मोर देन ए ईयर, 24 फरवरी हमने देखा था 2022 को ये वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसको यहाँ पर रशिया एक वॉर नहीं बोल रहा था, रशिया टेलिंग दिस और कॉलिंग इट एज ए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। तो इसमें यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि यूक्रेन और भारत के बीच में कोई डायरेक्टली यहाँ पर बातचीत नहीं हो पाई, बट अब यहाँ पर नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है कि रशिया के जो फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर है दैट इज एमाइन जापारोव, वो यहाँ पर भारत आने, अब उनकी यहाँ पे बातचीत हो सकता है हमारे यहाँ के जो टॉप लीडरशिप्स है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से या फिर जो एस जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनसे उनकी बातचीत हो। बट इस बातचीत के मायने क्या है, देखिए करंट सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर जिस तरीके से इमर्ज हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर हर फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, जियो पॉलिटिक्स में, हर क्षेत्र में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसमें यहाँ पर अब इस तरीके से, क्योंकि हमने बीच बीच में भी ऐसे कयास देखे थे सर्टन लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इवन वेस्टर्न कंट्रीज, बिग सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर ऑफ द ओपिनियन कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कैन मीडिएट इन दिस पर्टिकुलर पीस प्रोसेस, ये जो दोनों देशों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं मध्यस्थता कराने में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। बट अब ऐसे में यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है और उनके मायने क्या है, क्योंकि यहाँ पर रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं, अल्टीमेटली वो यहाँ पे हमारे देश के एक थिंक टैंक में यहाँ पे अपनी बातचीत रखेंगे और कुछ वहाँ का जो टॉपिक है कि किस तरीके से वर्ल्ड ये पूरा जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से इंपैक्ट हो रहा है, तो उसको यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होना है। अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन के जो मिनिस्टर यहाँ पे भारत आने वाले हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर कीव, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, वहाँ आने का इन्विटेशन न्योता दे सकते हैं। और ये इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जो रशिया के फॉरन मिनिस्टर, रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, वो भारत आने वाले हैं इन द एससीओ समिट, एज आई टोल्ड यू कि इंडिया इस बार एससीओ का प्रेसिडेंट भी है, और उसके बाद जिस तरीके से G20 की समिट होनी है 9th और 10th of September 2023 को न्यू दिल्ली में, वहां पे यूएस के, रशिया के और सब बड़े बड़े देशों के, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन सब देशों के जो G20 कंट्रीज हैं, 19+1 यूरोपियन यूनियन, उन सब देशों के लीडर्स यहां पर आने, और ऑलरेडी यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर जिस तरीके से चल रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू कि कौन सा देश क्या स्टांस लेगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमने 9 मेंबर कंट्रीज को यहाँ पर ऐसे गेस्ट कंट्रीज यहाँ पर इनवाइट किया है G20 के लिए, बट उन गेस्ट कंट्रीज में यहाँ पर यूक्रेन नहीं है, तो यहाँ पर यूक्रेन इज आइंग फॉर दैट पोस्ट कि अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर, और भारत क्योंकि यहाँ पर G20 का प्रेसिडेंट है, तो अगर G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है और G20 की जो मीटिंग होगी तो उसमें अगर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर ज़ेलेंस्की अगर आते हैं और वो अगर बात रखते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से ये समिट यहाँ पे की जा रही है सो दैट एक मैसेज दिया जा सके ग्लोबली कि भारत का स्टांस कहने की, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से भारत का स्टांस रहा है, भारत बहुत न्यूट्रल रहा है, भारत का ऐसा मानना है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और बातचीत के जरिए ही सोल्यूशन होगा। और ऐसे में यहाँ पर हमने देखा था यूक्रेन ने भी यहाँ पर कोशिश करी पीस प्रोसेस की, अपना यहाँ पर कुछ 10-point पीस फॉर्मूला यहाँ पर निकाला है, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि दोनों देशों के लीडर्स जब तक जो टॉप लीडरशिप है वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक इस इशू को यहाँ पर रिजॉल्व नहीं किया जा सकेगा। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़, अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जाते हैं नहीं जाते। ये थोड़ा सा इकोनॉमी रिलेटेड है पर एक अच्छी न्यूज़ है, दैट इज टैक्स पेड बाय सीनियर सिटीजन्स सर्जेस टू ओवर 1,00,000 करोड़। अगर पिछले कुछ समय से अगर हम देखें टैक्सेशन में, तो एक बहुत अच्छी चीज आई कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो भी ऑल दोज पीपल हु बिलोंग्स टू द एज ब्रैकेट ऑफ 60+ जो हमारे देश में सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा उछाल आया और लगभग 35% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है पास्ट ईयर से। ये जो डेटा है ये 11 महीने का डेटा है, दैट मीन्स अप्रैल 2022 से फरवरी 2023, जो मार्च का डेटा है वो नहीं आया, बट 11 महीने का डेटा अगर हम पिछले साल के डेटा से अगर कंपेयर करें तो एक बहुत अच्छी खबर है कि पहले जब जो सीनियर सिटीजन का जो टैक्स कलेक्शन था वो लगभग 81,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता था, अब वो बढ़ के उसमें एक हुपिंग इंक्रीज आया और 1,13,000 करोड़ का यहाँ पर 13,000 करोड़ का यहाँ पर एक इंक्रीज हमें देखने को मिला है, इतना टैक्स कलेक्शन हमारे हुआ है। तो दिस शोज द रोबस्टनेस एंड द वे आवर इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग इवन आफ्टर ऑल द हिकअप्स जो हम रिसेंटली देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा, उसके पहले कोविड देखा, बट इसकी वजह से आज हमारे देश की सिचुएशन बहुत अच्छी यहाँ पर हो चुकी है, और उसी का एक कहने के परिणाम है कि किस तरीके से सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के टैक्स में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिटी पार्ट वी कैन स्किप। ओके, ऑन द स्टेट पेज
Though this is political, but yesterday also in our newspaper analysis, we had discussed this news. What the title says, DMK allies to hold demonstration against governor on April 12th. So, abhi recently yahan par, kyunki humne dekha, kal bhi discuss kiya tha, ki jahan jahan pe bhi opposition ruled states hai, wahan pe humne dekha hai ki us desh ke chief, us state ke chief minister ya government aur dusri side pe us state ke jo governor hai, unke beech mein issues rehte hai. Aur isi ka best example current situation mein yahan par Tamil Nadu hai, jahan pe ek side chief minister M.K. Stalin hai aur dusri side wahan ke governor R.N. Ravi hai. अभी अभी आर एन रवि जी जब अपने घर पे यहाँ पे जो उनका गवर्नर पहले से वहाँ पे जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कोई बिल को जो विधानसभा में पास हो गया उसको अगर गवर्नर विथहेल्ड कर ले या उस पर रोक लगा दे तो द बिल इज डेड, मतलब उस बिल का कोई मायना नहीं है. तो जैसे ही ये हुआ उसके बाद हमने देखा कि जो डीएमके पार्टी है एमके स्टालिन जी की, वो काफी इसको अपोज कर रही थी. अब डीएमके पार्टी ने डिसाइड किया है कि 12th ऑफ अप्रैल को ये जो स्टेटमेंट अभी दिया गया है आर एन रवि जी के द्वारा, उसमें पूरे समूचे जो राजभवन है उसके वहां पे जाके प्रोटेस्ट किया जाएगा बाय द डीएमके पार्टी और उनके कोएलिशन में जो पार्टी कांग्रेस पार्टी, वो सब मिलकर यहां पे प्रोटेस्ट करने वाले बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट विच हैज बीन गिवन बाय, और ये यहां पे लिखा भी है, दैट इज आर एन रवि सेड इफ ए बिल इज विथहेल्ड बाय द गवर्नर द बिल इज डेड, ऐसा स्टेटमेंट यहां पे उन्होंने दिया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ विल मूव डायरेक्टली टू द ओके अनदर न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टेट न्यूज, दैट इज एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सेट्स अ पैनल टू रिविजिट क्लियरेंस गिवन टू ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट. सो यहां पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात हुई है और मैं इसको थोड़ा सा इस न्यूज को समझाता हूं कि ये क्या हुआ है और यहां पे क्या किया जा रहा है. बेसिकली आपने हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन देखा होगा जहां पे जो नॉर्दर्न साइड पे अंडमान है और नीचे हमारा निकोबार या ग्रेट निकोबार आइलैंड है. अब ग्रेट निकोबार में हमने क्या किया था लास्ट ईयर, हमारे देश की जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है जिसके होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी है, उन्होंने एक पत्र लिखा था और किसको लिखा था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. क्या चीज कि हम हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं देखने के लिए और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखने के लिए जो ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार की अगर मैं बात करूं एक आइलैंड है जो साउदर्न मोस्ट पार्ट पे है अगर मैं बात करता हूं, तो उसको हम क्या करना चाहते हैं, उसमें काफी सारे डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं. डेवलपमेंट्स किस तरीके से, हम पोर्ट्स बनाना चाहते हैं, हम टाउनशिप्स बनाना चाहते हैं, हम कुछ पावर प्रोजेक्ट्स वहां पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये सब करना चाहते हैं. बट एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री का यहां पे एक कंसर्न था कि ये जो जगह है ग्रेट निकोबार, ये ऑलरेडी 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व यहां पे भारत ने कहीं के करार दे दिया था, 2013 में भी जो यूनाइटेड नेशंस की जो बायोस्फीयर रिजर्व जो मैन मेड है उसमें इसको डाल दिया था. और इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा फाउना, इन टर्म्स ऑफ ऐसी ऐसी स्पीशीज है यहां पे जो बहुत रेयरली यहां पर फाउंड होती है, और अगर हम ऐसी जगह पे यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग करेंगे तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाएगा, बहुत सारा जो जंगल है उसको यहां पे हटाया जाएगा, तो बहुत सारा एनवायरमेंटल इंपैक्ट यहां पर आएगा. सो बट इसको हम क्यों कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्पेशली अगर आप देखो हमारा इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी और स्ट्रेटेजिक है. स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की अगर बात करता हूँ तो बिकॉज ऑफ चाइना, चाइना का जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में और साउथ चाइना सी, ये तो है ही है, तो ऐसे में हमको भी हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पर बढ़ाना है. इसमें इंडियन नेवी यहाँ पर एक बहुत अहम रोल यहाँ पर प्ले करेगी. और जो मैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट बता रहा था, बेसिकली अगर आप वो जो रूट देखेंगे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रूट है, और उसमें जो सबसे बड़े पोर्ट्स आते हैं वो एक कोलंबो का पोर्ट आता है और एक सिंगापुर का पोर्ट आता है, और इन दोनों पोर्ट्स के बिल्कुल सेंटर में जो है हमारा ग्रेट निकोबार का यहां पर ये प्रोजेक्ट आता है. बट इसी वजह से जिस तरीके से भारत का उसमें बीच में यहां पर कोई प्रोजेक्ट नहीं था या भारत का कोई पोर्ट नहीं था वहां पे, तो अब यहां पे ये जो है बिल्कुल सेंटर पे है, और इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर इसको डेवलप कर लिया गया और जो पोर्ट्स है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा, इवन जो एयरपोर्ट बनाया जाएगा उसमें इस तरीके का बताया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, लगभग 4,000 पैसेंजर्स को एक बार में अकोमोडेट किया जा सके, इतना बड़ा यहां पर पोर्ट बनाना है. बट इसका इंपैक्ट यहां पर क्या होना है वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री बार बार समय समय पर कंसर्न उसके रेज कर रहे हैं. सो इसमें हमारा इकोनॉमिक भी है, स्ट्रेटेजिक भी, ये दोनों मैंने आपको बता. अब न्यूज़ क्या बोल रही है, एनजीटी सेट्स अप पैनल टू रिविजिट क्लियरेंस गिवन टू ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट. इसको रीड करते हैं. द ईस्टर्न बेंच ऑफ एनजीटी ऑन अप्रैल 3rd ऑर्डर्ड अ स्टे ऑन द 72,000 करोड़ का हम भव्य यहां पे ये पूरा इसको बना रहे हैं, एंड सेट अप अ कमिटी टू रिविजिट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एक पूरी कमेटी बनाई गई, उसको लगभग 2 महीने का समय दिया गया, और 2 महीने बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि क्या इसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए. क्योंकि अगर आप ऑन वन साइड आपका डेवलपमेंट देख रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने इसको क्लियर कर दिया कि हमारा जिस तरीके का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये लोकेशन हो जाती है, तो ऐसे में इसका डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं किया तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है. बिकॉज जो बाकी और एयरपोर्ट्स की बात करें या बाकी और पोर्ट्स की बात करें, आप कोलंबो सिंगापुर उसके अलावा आप मालदीव्स की बात करें, तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करें, और चाइना तो है ही है. तो उन सब चीज़ों को देखते हुए भारत की जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियस है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट.
चलिए आगे बढ़ते हैं. देन ऑन द एडिटोरियल सेक्शन टुडे विल बी डिस्कसिंग वन एडिटोरियल एंड वन ओपिनियन. ओके सो व्हाट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एडिटोरियल सेज द ट्रंप इंडिक्टमेंट अ पोलराइज्ड अमेरिका. सो यहां पे ऑथर ने जो करंट सिचुएशन यहां पे यूएस में हो रखी है और ऐसा यूएस के इतिहास में पहली बार हुआ है 200 साल के इतिहास में कि कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट को या करंट प्रेसिडेंट को यहां पे क्या किया जा रहा है, क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ रहे हैं. और यहां पे अभी यहां पर ऑथर ने बेसिकली सिचुएशन जो बताई है, अगर इस पूरे एडिटोरियल को दो फेजेस में हम दो हाफ में डिवाइड करें तो फर्स्ट हाफ में जो जो अलग अलग केसेस यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रहे हैं उसकी बात करिए, और फिर सेकंड हाफ में डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर रहा उसमें उन्होंने किस तरीके काम किया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट और काफी से ऐसी चीजों से बाहर आ गए थे, और अभी और रिसेंटली जो अबॉर्शन लॉ यहां पे अबॉलिश किया गया उसकी भी हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, दोनों चीज पे बात करते हैं. सो फर्स्ट हाफ में अगर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे ऑर्डर ने बात करी है कि क्योंकि यहां पर 2024 का इलेक्शन आना है तो इस वजह से ये जो रिसेंटली इंडिक्टमेंट चल रहा है और ये जो क्रिमिनल चार्जेस यहां पे लगे रिगार्डिंग स्टॉर्मी डेनियल्स जिनके एलिगेशन थे और वो जो पेमेंट की बात हो रही है माइकल कोहेन के थ्रू एज ए लीगल फीस जो उन्होंने बताया था $130,000 का, तो इशू हमने हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने अच्छे से पढ़ा है. अब यहां पर ऑर्डर का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एकाध केस में नहीं फंसे, बहुत सारे केसेज अभी ऐसे जिनमें वो फंसे हैं और उनका कुछ लिस्ट डाउन भी यहां पर करिए. प्लेथोरा ऑफ केसेस से क्लियर है कि ये बहुत सारे केसेस हैं. फर्स्ट की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा जैसे ही 2020 में यहाँ पर प्रेसिडेंशियल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो 45th प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के, तो उनका जैसे टेन्योर यहाँ पे खत्म हुआ फिर इलेक्शंस हुए, और इलेक्शंस होने के बाद हमने देखा कि लोगों ने एक मेजोरिटी दी इसको, जो बाइडन की गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के. लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये हुआ तो बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे डोनाल्ड ट्रंप के और उनकी पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, और इवन यूएस की जो सेनेट है कांग्रेस वहां पे भी चले गए थे और बहुत प्रोटेस्ट किया था. अब पहला केस तो उनके ऊपर उसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे मिस्टर ट्रंप एंड इट्स associates in the aftermath of the 2020 presidential elections, particularly their attempts to exert pressure upon state officials to undo Mr. Trump's loss. क्योंकि उन्होंने मना ही कर दिया कि मेरी हार हुई है, वो तो बोलते हैं कि नहीं मैं जीता हूँ और ये जो elections हुए गलत तरीके से हुए ऐसा बता दिया गया. देन सेकेंड एक और केस यहाँ पे दैट इज अबाउट द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पैनल इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ ट्रंप इन द इंसरेक्शन, जो कंसर्न था द कमिटी इन क्वेश्चन शट डाउन अर्लियर दिस ईयर आफ्टर 18-month इंक्वायरी. अब इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे, उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठी लगभग 18 महीने की, और 814 पेज की रिपोर्ट यहाँ पर आई, बट उनके ऊपर कोई चार्जेस यहाँ पे कहीं ना कहीं सत्यापित ही नहीं हो पाए, तो कुछ हो ही नहीं पाया. देन थर्ड यहाँ पे बात की गई जो करंट सिचुएशन में अभी हमने देखा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ के घर में जैसे पहले पाए गए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो उनके कहीं ना कहीं घर में पाए गए थे, और ये ऐसा नहीं है पहली बार हो, हमने पहले भी कुछ यूएस प्रेसिडेंट देखे, इवन करंट प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनके घर में भी रिसेंटली गैराज में कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि यूएस गवर्नमेंट के, तो ये चीज हम यूएस में देखते रहते हैं. अब तो यहां पर ऑर्डर ने तीनों केसेस के बारे में बताया. अब यहां पर ऑर्डर ने एजेंडा ऑफ हेट यहां पर बेसिकली बात की है कि जो करंट सिचुएशन यहां पर हो रही है, तो जब कुछ वोटिंग्स यहाँ पे कराई, कुछ सर्वेस यहाँ पे हुए, तो रिपब्लिकन पार्टी का मानना है कि डेमोक्रेट्स काम नहीं करते, डेमोक्रेट्स का मानना है कि रिपब्लिकन्स काम नहीं करते, और अल्टीमेटली इस वजह से यहाँ पे ये टसल यहाँ पे चल रहा है. इस वजह से यहाँ पे एक डेटा है उसको भी अपन यहाँ पे रीड करते हैं. दैट इज फॉर एग्जाम्पल इट वॉज स्ट्राइकिंग दैट इन द ईयर 2016 47% ऑफ रिपब्लिकन एंड 35% ऑफ डेमोक्रेट सेट दैट दोज इन द अदर पार्टी वर अ लॉट और समवॉट मोर इमोरल देन अदर अमेरिकन, येट बाय ऑगस्ट 2022 72% एंड 63%. तो ये यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज लगाती है वैसा ही कुछ यहां पे चल रहा है, जहां पे कुछ पॉलिटिकल सपोर्टर्स अपनी अपनी बात यहां पे रख रहे हैं. सो दिस वाज अबाउट दिस. और उसके बाद अब जब डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें उन्होंने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से जो बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स थे उनकी फॉर्मर गवर्नमेंट के द्वारा साइन किए गए थे उनसे वो बाहर आ गए, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील हमने ऑलरेडी पढ़ा है, JCPOA दैट इज जॉइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, देन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 उससे वो बाहर आ गए थे, बहुत सारी चीजें यहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर करी थी उसको भी यहां पे बताया गया कि किस तरीके से यूएस एग्जिट फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से वो बाहर आ गए थे, और उसी के साथ साथ WTO नाटो, मतलब इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से जिस तरीके से रिलेशंस यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने रखे उसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया. देन अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर तो खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पे जो टेन्योर आया जो बाइडन का, अब उनके क्या चैलेंजेस है, उन्होंने जिस तरीके से यूएस में जो अबॉर्शन लॉज है उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं उस पर काम किया, तो उसमें उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट था. फिर सेकेंड डोनाल्ड ट्रंप की ही यहाँ पे और बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से वैक्सीन रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दिए थे कि जो उसका साइंस है या फिर जो एफिकेसी है उसको ही क्वेश्चन कर दिया,
दिया था यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब करंट सिचुएशन आज यूएस की ऐसी है कि यूएस की करंट गवर्नमेंट जो बाइडन के लीडरशिप में, उन्होंने 1.9 ट्रिलियन डॉलर का एक पैकेज यहाँ पर निकाला है, बहुत यहाँ पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, बट एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि जो बाइडन को भी यहाँ पर इतना सपोर्ट नहीं है। रीजन बिंग क्योंकि हमने कुछ डेटा देखे थे, अगर अभी चुनाव हो जाता है तो डोनाल्ड जो बाइडन की स्थिति यहाँ पर बहुत खराब है, और डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के एक बहुत कह सकते हैं कि अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं आने वाले चुनाव में, वो यहाँ पर क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाले समय में क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू यूएस पॉलिटिक्स, बट करंट सिचुएशन में यहाँ पे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट क्रिमिनल चार्जेस यहाँ पे फेस कर रहे हैं, और करंट प्रेसिडेंट का जिस तरीके से कार्यशैली है उससे लोग काफी खुश यहाँ पे भी नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट दिस होल एडिटोरियल। चलिए फर्स्ट ओपिनियन पढ़ते हैं। दिस इज अबाउट, कल हमने देखा था कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, विच इज़ ए 6-member कमेटी जो हर 2-2 महीने में बाई मंथली यहाँ पर मिलती है और ये डिसाइड करती है कि हमारे देश में जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो क्या रहेगी, और इसको हेड हमने डिस्कस किया कि हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी वो करते हैं। अब हुआ क्या, ये एक बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पर लिया गया बाय द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, और ये डिसीजन यूनानिमस हुआ। यूनानिमस मतलब जो 6 लोग हैं इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के, सभी लोगों ने इस पर सहमति जारी करी कि 6.5% जो यहाँ पर रेपो रेट चल रहा है, रेपो रेट का मतलब जिस रेट पर यहाँ पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उसको उतना ही यथावत रखा जाए, उसमें चेंज ना किया जाए, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि 25 बेसिस पॉइंट से 0.25% से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप दूसरे देशों की बात करें, यूएस फेडरल रिजर्व जिस तरीके से यहां पे रेट हाइक कर रहा है, इवन दूसरे सेंट्रल बैंक जिस तरीके से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भारत में भी हो सकता है, और हमने पाकिस्तान का भी डिस्कस किया था रिसेंटली, 100 बेसिस पॉइंट्स पाकिस्तान ने भी इंक्रीज किया था। तो ऐसे में यहां पर यह बहुत अच्छा स्टेप यहां पर लिया गया और जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको यहां पर रखा जाए, बट ये यहां पर आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि ये टेम्परेरी है, मतलब क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जो ग्लोबल चेंजेस यहाँ पे चल रहे हैं, रिसेंटली हमने देखा सिलिकॉन वैली बैंक जिस तरीके से यहाँ पे बैंक करप्ट हो गई, उसके बाद न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक की हालत खराब है, देन क्रेडिट स्विस हमने देखा स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी जो बॉन्ड्स यहाँ पे रिडीम करती थी, तो उन सबकी स्थिति यहाँ पे खराब है, और करंट सिचुएशन में भारत भी अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से स्टेबल रख सके और चीज़ों को अच्छे से मूव ऑन कर सके, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है। बट ऐसे में दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो इन कमिंग टाइम कि क्या होगा, बट ये यहाँ पर शक्तिकांता दास जी ने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत क्लियरली यहाँ पर स्टेट कर दिया दैट कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड अक्रॉस ए रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अनयील्डिंग, एमपीसी फेसेस अ चैलेंज इन इट्स मैंडेट फॉर अचीविंग ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन, इसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया। इसी के साथ साथ जो बाकी और रिसेंटली हमने देखा था जो कुछ IMF कुछ रिपोर्ट्स है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ओवरऑल जो भारत की जो ग्रोथ रहेगी, जो कुछ फोरकास्ट है कि 7% रहेगी, उसको कम करके 6.3% कर दिया। उसके बहुत सारे रीजंस है, ग्लोबल चैलेंजेस है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण है, बट करंट सिचुएशन में ये जो स्टेप यहाँ पे लिया गया मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, ये बहुत वेलकमिंग रहा, और इससे लोगों पे कहीं ना कहीं जो लोगों की जो EMI है वो पिछले कुछ समय से जिस तरीके से बढ़ी थी आफ्टर द इंक्रीज इन रेपो रेट जो 4% से 6.5% तक हो गया, तो उसमें एक थोड़ी सी कमी यहां पर आई है, जो एक बहुत अच्छा स्टेप यहां पे बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते, दिस वी कैन स्किप, चलिए इसको पढ़ते हैं। अलॉटमेंट ऑफ ए कास्ट कोड फॉर थर्ड जेंडर इन बिहार सर्वे स्पार्क्स कॉन्ट्रोवर्सी। सो हमने देखा बिहार की पॉलिटिक्स, हालांकि पॉलिटिकल न्यूज हम हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं डिस्कस करते, बट कास्ट बेस्ड सेंसस काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड थी। हमने देखा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अब बोल रही है कि हम पावर में आ जाएंगे तो हम कास्ट बेस्ड सेंसस पे काम करेंगे। पहले हमने देखा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी बार बार समय समय पे यूनियन गवर्नमेंट को ही बोल रही थी, जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी उद्धव ठाकरे जी वाली गवर्नमेंट, और अब करंट सिचुएशन में हमने ऑलरेडी देखा बिहार ने इसको जो 2 phases में स्टार्ट करना कर दिया, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है कहीं ना कहीं सरकार के स्टेट के पास पावर रहती। अब जो ये जो पूरा यहाँ पर सर्वे चल रहा है ऑलरेडी बिहार नीतीश कुमार जी जो कह सकते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब है कि किस कास्ट में आते हैं उसमें भी बाइफर्केशन, ताकि लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई जा सके, बट सभी को पता है इसका पर्पज कहीं ना कहीं उन वो जो लोग हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उनको कहीं ना कहीं पोल प्रोमिसेस करना, उनके लिए अच्छी अच्छी लुभाने वाली स्कीम्स लाना, वो सबसे बड़ा कारण है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है यहाँ पर कि जो इवन जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनसे भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कौन सी कास्ट के, वो सब चीज़ें जा रही है, तो उस वजह से कुछ ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने इसको गलत बताया, और बिहार के जो मिनिस्टर हैं सोशल वेलफेयर के दैट इज मदन साहनी, उनका ऐसा मानना है कि अगर कोई भी इशू है तो आप डायरेक्टली हमें एड्रेस करिए, उस पर डेफिनेटली यहाँ पर काम होगा, ये मानना है। बट ये न्यूज़ मैंने इसलिए हाईलाइट करी सो दैट वी गॉट एन आइडिया कि कास्ट बेस्ड सेंसस बिहार यहाँ पे करा रहा है, इसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी हो गया और सेकेंड फेज यहाँ पे 15 April से May 15 तक यहाँ पर 1 महीने के लिए शेड्यूल किया गया है। देन नेक्स्ट
विड्रॉ ड्रैकोनियन अमेंडमेंट टू आईटी रूल सेज एडिटर्स गिल्ड. सो यहाँ पर एडिटर्स गिल्ड ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि रिसेंटली जिस तरीके से हमने देखा था कि आईटी रूल्स में अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, आईटी रूल्स जो है हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया एंड एथिक्स कोड रूल्स 2023, तो जिस तरीके से चेंजेस किए जा रहे हैं, अभी एक बहुत बड़ा चेंज आया कि कोई भी प्लेटफॉर्म अगर उसका यूजर या जो प्लेटफॉर्म है वो फेक न्यूज़ यहाँ पर आ रही है तो उसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB एक अच्छी अथॉरिटी, नॉट अच्छी अथॉरिटी, इज द सोल अथॉरिटी जिसके पास पावर है, जिसको एम्पावर किया गया कि वो क्या कर सकती है, उस यूजर को, उस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बता सकती है और उसको वो कंटेंट वहाँ पर हटाना पड़ेगा. अब जो यहाँ पे एडिटर्स गिल्ड है उनका ऐसा मानना है कि ये बेसिकली प्रेस फ्रीडम के खिलाफ है और हमारी जो फ्रीडम उसको छीनी जा रही है क्योंकि हम क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे PIB पूरा ध्यान रखेगी, फैक्ट चेक रखेगी और अगर सही नहीं है, एंटी गवर्नमेंट अगर कुछ है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. ये यहाँ पे न्यूज यहाँ पर बता रही है और इसके बारे में कल हमने अच्छे से डिस्कस किया. देन नेक्स्ट न्यूज, हाउस पैनल अप्राइज ऑफ कल्यूजिव थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान. देखिए, और इसी के साथ में एक और जो न्यूज है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिफेंस, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड थर्ड प्रोडक्शन लाइन फॉर LAC इनॉग्रेटेड. अब देखिए एक चीज समझिए कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो हम हमारी मिलिट्री की डिफेंस की कैपेबिलिटी बढ़ाने में बहुत लगे हैं क्योंकि वी आर ऑलरेडी अवेयर कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश है, कंट्रीज लाइक चाइना पाकिस्तान, तो हमारे लिए हमेशा से एक थ्रेट रहता है. इस वजह से हम जिस तरीके से राफेल फाइटर जेट्स हो गया या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट हो रहा है और उसके 3 यूनिट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर कमिटमेंट्स हो रहे हैं और इवन अब तो हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं. हमने रिसेंटली अगर एक डेटा आया था डिफेंस मिनिस्ट्री का कि लास्ट ईयर हमने 15,920 करोड़ का यहां पर एक्सपोर्ट किया था, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है और बहुत हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था, मोर देन 85 कंट्रीज को हमने कुछ ना कुछ बेचा था. अब यहां पर क्या हो रहा है कि हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं बट हमारे खुद के लिए भी कुछ कुछ चैलेंजेस है. किस तरीके के चैलेंजेस हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है चाइना और पाकिस्तान, जिस तरीके से अपनी शिप्स की, सबमरीन्स की जिस तरीके से कैपेबिलिटी यहाँ पर बढ़ा रहा है, हालांकि पाकिस्तान वो कर नहीं सकता बट चाइना उनको जिस तरीके से मदद कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर चाइना ने पिछले 10 साल में जो अपनी ओवरऑल नेवी की जो कैपेबिलिटी है लगभग 250 जो उनके पास वॉरशिप्स थी, सबमरीन्स थी, उसको बढ़ा के लगभग 350 यहाँ पर कर दिया. बट इंडिया के जो CDS है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका ऐसा मानना है कि हमारी करंट में कैपेबिलिटी लगभग 131 ships की है, बट इसको बढ़ा के हमने टारगेट रखा है कि 200 ships जल्द से जल्द कर दिया जाएगा. बट हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से हमारी जो नेवी की कैपेबिलिटी उसको और एनहांस किया जाए. रीजन बीइंग जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे जो हमें थ्रेट है उनसे बचने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने की यहां पर आवश्यकता है. ऐसा यहां पर ऑर्डर ने इस न्यूज में पर्टिकुलर यहां पर बताया गया. इसमें बहुत सा काम हो रहा है और इसी के साथ साथ ये भी एक एग्जांपल है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना थर्ड प्रोडक्शन प्लांट यहां पर नासिक में महाराष्ट्र में स्टार्ट किया है और 2 प्लांट ऑलरेडी यहां पर जो है बेंगलोर में ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं. इसमें यहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहां पर बनाए जाएंगे बाय HAL और दिस क्लियरली शोज कि किस तरीके से हम यहां पर डिफेंस कैपेबिलिटीज में और स्ट्रांग होते जा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते, चलिए नाउ वी विल मूव डायरेक्टली टू द वर्ल्ड सेक्शन. सो ऑन द वर्ल्ड सेक्शन we'll be discussing 2 news. First is about Israel Palestine and second is about China Taiwan. So what the first news says, 2 dead in West Bank attack after Israel bombards Lebanon Gaza Strip. So ek taraf ya Russia Ukraine war already chalu hai aur dusri side agar hum dekhe to jo Israel Palestine ka jo issue hai Lebanon ka, ye fir se yahan par badhne lag gaya. Recently humne dekha tha jis tarike se Israel ke dwara yahan par Lebanon pe aur Gaza Strip pe yahan par attack kiya gaya aur aaj इसराइल की जो सरकार है बेंजामिन नेतन्याहू के लीडरशिप में वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट और एक्सट्रीम फार राइटिस्ट है, तो हमने देखा था किस तरीके के स्टेप्स उनके द्वारा लिए जा रहे हैं और अब ये उसको और यहाँ पे बढ़ाता है. और रिसेंटली जुडिशियल जो चेंजेस वो करना चाह रहे थे उसमें भी बहुत इश्यूज आ रहे थे और अब यहाँ पे क्या किया है, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है, अब यहाँ पे हालांकि इसकी क्लैरिटी नहीं है कि किसने अटैक किया है, बट एक अटैक यहाँ पर हुआ है जहाँ पे इसराइल के 2 सिस्टर्स हैं उनकी डेथ हुई और उनकी जो मदर है वो भी बहुत सीरियसली यहाँ पर इंजर्ड हुए. तो ये करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो किसी भी तरीके से जो कह सकते हैं वॉर वाली सिचुएशन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता बढ़ाई जा रही है और इवन द लॉट ऑफ कंट्रीज, इवन बिग कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US, उनको यहाँ पर मीडिएट करना चाहिए, इशू को यहां पर रोकना चाहिए, बट ऐसा कुछ हमें देखने को ना मिल रहा है, ना तो करंट सिचुएशन में ना ही पहले जो रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी तक यहां पे चल रहा है. तो इट इज इन टाइम्स टू कम विल गेट एन आइडिया कि बेसिकली यहां पर हुआ क्या है, बट ये कार में यहां पर अटैक यहां पे किया गया था जिसकी वजह से यहां पे 2 बच्चियों की यहां पर जान चली गई. देन नेक्स्ट न्यूज, चाइना सेंड्स वॉरशिप्स जेट्स टुवर्ड्स ताइवान
स्लैब सैंक्शंस ऑन यूएस एंटिटीज. सो यहाँ पे यूएस की बात करें, यूएस और चाइना के जो रिलेशंस हैं अगर हम स्पेशली चाइना ताइवान रिलेशंस की बात करें, तो यूएस यहाँ पर क्लियरली ताइवान को सपोर्ट करता है और वो यहाँ पर चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि चाइना ताइवान को अपनी ही टेरिटरी मानता है. पहले भी हमने देखा था यूएस की फॉर्मर स्पीकर दैट इज नैन्सी पेलोसी, जब उन्होंने विजिट किया था तब बहुत इशूज थे, तब हमें लग रहा था क्या पता फिर से चाइना भी ताइवान के ऊपर अटैक ना कर दे जैसे रशिया ने यूक्रेन पर कर दिया. अब रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ कि ताइवान की जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका विजिट किया और उसके बाद में यूएस में जो यूएस के जो स्पीकर है दैट इज केविन मैकार्थी, उनसे उनकी बातचीत हुई, तो उस बातचीत के बाद यहाँ पे चाइना ने क्या किया, उसको रिटेलिएशन के लिए यहाँ पर क्या किया, अपनी कुछ वॉरशिप्स यहाँ पे भेजी और वो ऐसी टेरिटरी में भेजी जो टेरिटरी ताइवान की है, बट इस तरीके से वो भेजा ऐसा लग रहा था कि वो चाइना की खुद की टेरिटरी. तो ये भी कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में जो हमने इसराइल पैलेस्टाइन वाला इशू देखा था और अब ये जो इशू आ रहा है दैट इज चाइना ताइवान, वो वापस से एस्केलेट होने लग गया है, जो पहले भी यहाँ पर पिछले 6 से 7 महीने पहले जब नैन्सी पेलोसी की विजिट यहाँ पर हुई थी तब भी एस्केलेट हो रहा था. सो अब यहाँ पे चाइना ने कुछ सैंक्शंस भी यहाँ पे लगाए हैं और चाइना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चाइना जो है ताइवान को अपनी ही टेरिटरी मानता है और पहले भी हमने देखा कि ताइवान की जो सिविलियन एयर स्पेस है उसका बहुत सी बार वायलेशन हुआ और बहुत सी बार जो सी वाटर्स है, मैरीटाइम बॉर्डर्स है, उस पर भी वायलेशन हुआ और अभी भी यहाँ पर हमें ये देखने को मिला. सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज. चलिए, सो हियर एंड आई कंक्लूड विद टुडेज सेशन. आई होप द सेशन वॉज इनसाइटफुल. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.